हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में समझा कि पॉलीगन अगर हमें गिवन है और उस पॉलीगन को किसी रेक्टेंगुलर विंडो के अलोंग हमें क्लिप करना है, तो हम कितने तरीकों से उसे क्लिप कर सकते हैं, जिसमें से किसी एक तरीके के बारे में सदरलैंड ने अपना जो मत दिया हुआ है, हम उसको समझेंगे कि इनके मेथड के हिसाब से हम किसी पॉलीगन को किसी विंडो के अलोंग कैसे क्लिप करेंगे। आइए समझते हैं सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये मैंने पर्दा उठा दिया है। अब देखिए, इस पर्दे के पीछे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेक्टेंगुलर विंडो जो मैंने ब्लैक स्केच पेन से ड्रॉ करी है, दैट इज रेक्टेंगुलर विंडो। और इस रेक्टेंगुलर विंडो के अलोंग एक पॉलीगन है जिसको आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन है, इसको हमें क्लिप करना है। तो इसको सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे क्लिप कर सकते हैं, इसे समझने के लिए ये वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है। अब इसे देखते हैं कि कैसे इस मेथड के थ्रू हम इसे क्लिप कर सकते हैं। डायग्राम आपने देख लिया होगा, इसे आप पहले अपनी कॉपी में बना लेंगे और जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में समझाता जाऊंगा, वैसे वैसे उसको आप समझते चलेंगे। तो अब मैंने पर्दा उठाया है उनके मेथड पे कि कैसे उनके मेथड के हिसाब से हम इसे क्लिप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर पॉलीगन को किसी रेक्टेंगुलर विंडो के अलोंग क्लिप करने का जो मेथड आपको प्रोवाइड किया है, उस मेथड में चार रूल्स हैं। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है, रूल्स टू फाइंड द लिस्ट ऑफ इनसाइड एंड इंटरसेक्टिंग वर्टिसेस। इन्होंने जो वर्टिसेस उस पर्टिकुलर विंडो के इनसाइड आ रहे हैं किसी पॉलीगन को क्लिप करने के बाद, उन वर्टिसेस को फाइंड आउट करने का, प्लस जो वर्टेक्स उस बाउंड्री एज को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन वर्टिसेस को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, उसके संदर्भ में उन्होंने चार रूल बताए। इन चारों रूल्स को आपको समझना है, उसके बाद आप सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन एल्गोरिथम आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए, देखते हैं कि क्या इनके रूल्स डिफाइन किए गए हैं। पहला रूल देखिए क्या है। पहला रूल है, आउटसाइड से इनसाइड जब हम विजिट कर रहे हों, मतलब जब भी हम अपनी ट्रैवलिंग आउटसाइड से इनसाइड की ओर कर रहे होंगे, तब क्या करना होगा, वो आप इस डायग्राम में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए। देखिए, ये हमारी जो पर्टिकुलर पॉलीगन है ए बी सी डी, इसमें हम ए से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्सल। ए से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे इनसाइड, ए हमारा इस पर्टिकुलर बाउंड्री के आउटसाइड है, तो ए से जब हम इनसाइड ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ट्रैवल करते समय आपको ये इंटरसेक्शन मिलेगा, प्लस ए से बी तक की एज जब आप पूरी ट्रैवल कर लेंगे तो उसमें लास्ट आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट इज बी। तो इन्होंने बताया कि जब आप आउटसाइड से इनसाइड ट्रैवल करेंगे तो आपको दो पॉइंट्स जो हैं, यानी कि दो वर्टिसेस अपनी लिस्ट में सेव करने होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला जो इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है वो, प्लस जो उस पर्टिकुलर एज को ट्रेवल करते समय लास्ट वर्टेक्स मिलेगा वो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ सेव्ड वर्टिसेस की एक मैट्रिक्स बनाई है हमने, उसमें हमने पहला जो इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है इस बाउंड्री एज पे वो है ए डैश, वो हमने यहाँ पे सेव किया है। दूसरा जो वर्टेक्स है जो उस पूरी एज को ट्रैवल करने में सबसे लास्ट में हमें मिल रहा है, दैट इज बी, वो हमने सेव किया है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि पहले रूल के मुताबिक जब हम आउटसाइड से इनसाइड ट्रैवल करेंगे तो हम एक जो इंटरसेक्शन मिलेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपनी लिस्ट में सेव करेंगे, प्लस जो उस पूरी एज को ट्रैवल करने में सबसे लास्ट वर्टेक्स हमें मिलेगा उसको अपनी लिस्ट में सेव करेंगे। ये देखिए, मैंने दो वर्टिसेस सेव किए हुए हैं। फिर उसके बाद जब ये एज हमारी ट्रैवर्स हो जाएगी तो
तो उसी लास्ट वर्टेक्स से हम आगे का ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एज को ट्रेवल करेंगे। देखिए, ए से बी तक का जब सफ़र आपने तय कर लिया, फिर आपने स्टार्ट किया बी से सी तक का सफ़र। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा रूल फॉलो होगा। दूसरा रूल उन्होंने क्या बताया कि जब बोथ पॉइंट्स इनसाइड होंगे, मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट एज आपने सेलेक्ट की है ट्रेवर्सल के लिए, इसमें इस एज के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, रेक्टेंगुलर विंडो के इनसाइड हैं। तो जब ऐसा केस आपको मिलेगा कि दोनों पॉइंट्स आपको इनसाइड मिल रहे हैं, बोथ पॉइंट्स आर इनसाइड द क्लिपिंग विंडो, तब आप क्या करेंगे, केवल लास्ट वर्टेक्स को सेव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव लास्ट वर्टेक्स। तो अब ये दोनों पॉइंट्स इस एज के इनसाइड द विंडो हैं, हमने ट्रेवर्सल यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हमें लास्ट वर्टेक्स क्या मिलेगा, दैट इज कैपिटल सी, केवल उसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे जो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब उसके बाद देखिए, जब ये हो जाएगा फिर हम उसी वर्टेक्स से आगे का ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। अब सी से हम डी की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें एक और केस मिलेगा, क्योंकि अब हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। जब हमने ए से स्टार्ट किया था तो ए से बी की तरफ जाते हुए आउटसाइड से इनसाइड जा रहे थे, बी से सी की तरफ जब चले तो दोनों इनसाइड ट्रेवर्सल थे। अब जब सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो इनसाइड से आउटसाइड ट्रेवर्सल है, उसमें हमारा तीसरा रूल फॉलो होगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब लाइन को आप इनसाइड से आउटसाइड ट्रेवल कर रहे हैं, तब आपको केवल इंटरसेक्शन सेव करना है। मतलब जब सी से डी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सी को सेव नहीं करना है दोबारा, आपको सी से डी की तरफ बढ़ते समय बाउंड्री एच को जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, केवल उस पॉइंट को आप अपनी लिस्ट में सेव करेंगे, दैट इज सी डैश। ये आपने कर लिया। उसके बाद जब हम डी पे पहुंच जाएंगे, फिर डी से हमारी एक एज और बचेगी इस पॉलीगन की, दैट इज डी टू ए। जब हम डी से ए को ट्रेवल करेंगे तो देखिए हमारा रूल नंबर 4 फॉलो होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, लाइन बोथ एंड पॉइंट्स आउटसाइड द, यहाँ पे पूरा सेंटेंस मैंने उस ढंग से नहीं लिखा है, लिखा हुआ है लाइन बोथ पॉइंट्स आउटसाइड देन नेगलेक्ट। कहने का मतलब है कि जब उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स विंडो के बाहर हों तो आप उन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे डी और ए दोनों एंड पॉइंट्स इस लाइन डी ए के जो हैं वो विंडो के बाहर हैं, तो हम उसे नेगलेक्ट कर देंगे सिंपल। हमें उनमें से कोई भी पॉइंट सेव नहीं करना है क्योंकि वो तो क्लिप हो जाएंगे, तो उनसे हमें क्या मतलब। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि सदरलैंड हॉजमिन की एल्गोरिथम के थ्रू हमने लिस्ट बनाई कि कौन से वर्टिसेस हमको सेव करने हैं फॉर क्लिपिंग विंडो, मतलब जिनको यूज करके हम क्लिप्ड पॉलीगन जनरेट करेंगे, उन पॉइंट्स की लिस्ट हमने यहाँ पे बना ली है इनके चारों रूल्स को फॉलो करते हुए। अब मुद्दा ये है कि ये जो हमने लिस्ट बनाई है, इसमें आपने ये चीज़ गौर की होगी कि जब हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे थे और इनका रूल फॉलो कर रहे थे, तो एक सिचुएशन आई जहाँ पे हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। इंटरसेक्शन निकालने के लिए तो इन्होंने कोई रूल नहीं दिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो अभी तक एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी रेक्टेंगुलर विंडो के अलोंग किसी भी पर्टिकुलर लाइन को क्लिप करते समय इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के जो मेथड्स, जो एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी हैं अब तक, उसी में से कोई एक एल्गोरिथम आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एल्गोरिथम में कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी में से कोई एक एल्गोरिथम इस लाइन ए बी के लिए आप फॉलो करेंगे और इस लाइन ए बी को क्लिप करेंगे इस विंडो के अलोंग और ये इंटरसेक्शन निकालेंगे। प्लस जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको चेक करना हो कि बोथ पॉइंट्स इनसाइड हैं या नहीं, तो उसके लिए विजिबिलिटी एल्गोरिथम को फॉलो कर सकते हैं आप। तो ये सब जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके आप इस पूरे पॉलीगन की हर लाइन और हर एंड पॉइंट के साथ ये रूल फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए इन रूल्स के मुताबिक जो पॉइंट्स, जो वर्टिसेस आपकी लिस्ट में सेव होने चाहिए, उनको सेव कर लेंगे और उन्हीं को आपस में मीट करके एक क्लिप्ड पॉलीगन जनरेट करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सदरलैंड हॉजमिन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इन्होंने मेथड दिया सिर्फ उन वर्टिसेस को सेव करने का, सेलेक्ट करने का, पर उन वर्टिसेस को ढूंढने का,
फाइंड आउट करने का जो काम है, उनकी विजिबिलिटी को चेक करने का जो काम है, या उन इंटरसेक्शंस को फाइंड आउट करने का जो काम है, ये आप प्रीवियसली पढ़ी हुई एल्गोरिथम की हेल्प से ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सदरलैंड हॉजमैन का ये जो तरीका है ये समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार दोबारा से देखें, फिर उसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझसे अलग से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।